जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रोन को गिराया है कब्जे में। आए ड्रोन के साथ 5 किलो आईडी विस्फोटक भी मिला है। ड्रोन में आईडी बंधा हुआ था। ये ड्रोन अखनूर इलाके में दिखा और जैसे ही ये दिखा पुलिस एक्शन में आई और समय रहते कार्रवाई की। इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है जिसमें पूरी जानकारी और डिटेल्स दी जाएंगी। फिलहाल ड्रोन को जम्मू पुलिस लाइन ले जाया गया है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के कानाचक पुलिस थाने में और यहीं पर आप देख सकते हैं जिस ड्रोन को जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों ने जो है मार गिराया था उस ड्रोन को रखा गया था। अब इस ड्रोन को जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू ले जाया जा रहा है जहां पर कि जम्मू कश्मीर पुलिस को एक प्रेस वार्ता करनी है। यहां पर मेरे कैमरा पर्सन नीरज कुमार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं ड्रोन देख सकते हैं। यहां पर ड्रोन जो है इसको डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इसी ड्रोन को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिस कर्मियों ने मार गिराया था और अब इस ड्रोन को जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू ले जाया जा रहा है। वहां पर जो है प्रेस वार्ता होने वाली है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक और इंडिया टुडे पर। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ड्रोन की तस्वीरें। मेरे कैमरा पर्सन नीरज कुमार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी ड्रोन को जो है मार गिराया जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिस कर्मियों ने। तो एक बहुत बड़ी सफलता मिली है यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस को क्योंकि पिछले कई समय से जो है ड्रोन की हरकत देखी गई थी यहाँ जम्मू संभाग में और एक बार फिर कल रात को यहाँ पर ड्रोन दिखा और एक स्पेसिफिक इनपुट था जम्मू कश्मीर पुलिस के पास और जैसे ही उस ड्रोन को देखा गया वहां पर मुस्तैद जो पुलिस कर्मी थे यहाँ पर कानाचक में उन्होंने उस ड्रोन को मार गिराया और बाद में उस ड्रोन को जो है इस पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया गया। फिलहाल जो है अब ड्रोन को जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू ले जाया जा रहा है जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस को एक प्रेस वार्ता करनी है और इस पूरे मामले में जो है अधिक जानकारी मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट जम्मू आज तक।